हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू DZIGNEX। मैं आपका दोस्त विकी और आज हम देखेंगे कोरल ड्रॉ की क्लास नंबर 2। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ मैंने अपना कोरल ड्रॉ ओपन कर लिया है। अच्छा, जब हम कोई पेज लेते हैं, न्यू पेज या कोई डॉक्यूमेंट मतलब, तो ऊपर आप देख रहे हो यहाँ कुछ प्रॉपर्टीज नजर आ रही हैं। इनको क्या यूज है, आइए इनके बारे में जान लेते हैं। पहले देखिए, कोरल ड्रॉ की एक सबसे अच्छी बात यह है कि आप अपने वर्क पे काम करते हुए उसका वर्क एरिया मतलब पेज जो है वो चेंज कर सकते हो। अगर आप कोई डिजाइन बना रहे हो, कोई डिजाइन बना रहे हो कुछ भी, और आप चाहते हो कि उस डिजाइन को मैं किसी और पेज मतलब डॉक्यूमेंट का जो साइज है कुछ और रख दूं, वो भी बिना कोई नया डॉक्यूमेंट लिए, नया पेज लिए, तो आप इजीली क्या कर सकते हैं, यहाँ से ये आपको दो ऑप्शन दिखते हैं, यहाँ पे आप अपने डॉक्यूमेंट का जो साइज है पेज का वो चेंज कर सकते हो। सपोज मैं 8 कर देता हूँ, देखिए। अच्छा, यहाँ आपको कुछ डिफॉल्ट जो है पेज मिलेंगे, तो A4 लेटर, बिजनेस कार्ड या फिर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ब्राउचर्स, बैनर्स, ये सब आपको डिफॉल्ट उसमें मिलेंगे। जैसे ए फोर शीट ले लेते हैं, ये देखिए ए फोर शीट का जो इंचिस में ये शो करे, तो अगर आप इंचिस की जगह किसी और यूनिट में लेना चाहते हैं तो यहाँ से आप के यूनिट चेंज कर सकते हो। ओके, इसके आगे अगर आप आ जाएंगे तो यहाँ पे आपको दो ऑप्शन दिखते हैं जिसमें आप पेज को पोर्ट्रेट या फिर लैंडस्केप में दे सकते हो। ठीक है, इसी के आगे ये आपको दो ऑप्शन और दिखते हैं, इनका यूज क्या होता है। जैसे अभी हमने पेज 1 ले रखा है, अब हम चाहते हैं अगर कोई उसमें एक्स्ट्रा पेज ऐड करना हो, यानी अगर हम पेज 1 के और पेज डालने हो, अभी हमने पेज 1 ले रखा है, नीचे देखेंगे तो पेज 1 है, अगर हम इसमें और पेज ऐड करना चाहें तो यहाँ स्लाइड लेफ्ट साइड में देखेंगे आप पेज का ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पर जैसे आप क्लिक कर देते हो तो यहाँ पे पेज ऐड होते जाएंगे। जितना आप क्लिक करोगे उतने पेज ऐड हो जाएंगे, और इनको डिलीट करने के लिए किसी भी जिस पेज को आपको डिलीट करना है उस पर राइट क्लिक कीजिएगा, डिलीट पेज का ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक कर दो। मैं भी करता हूँ। अच्छा, इसी में कुछ और ऑप्शंस भी आते हैं, तो रीनेम पेज, अगर आप 2-3 काम एक साथ कर रहे हो, 2-3 डिजाइन के वर्क पे काम एक साथ कर रहे हो और अलग अलग पेज पे काम कर रहे हो, तो आप अपना पेज का नाम चेंज कर सकते हैं, जिससे आपको भी नोटिस हो, आपको पता रहे कि आपने किस पेज पे क्या काम किया है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ file1। देखिए, इसका फाइल का नेम चेंज हो गया है पेज का, आपका डॉक्यूमेंट का जो आपका फाइल का नाम है वो सेम रहेगा, अभी आपने कोई नाम ऐड नहीं किया था, सिर्फ पेज का नाम चेंज होगा। इसी के नीचे एक ऑप्शन आता है इंसर्ट पेज आफ्टर, आपका जो करंट पेज जिस पे आप वर्क कर रहे हो उसके आप बाद में पेज ले सकते हैं, और इंसर्ट पेज बिफोर यानी कि उसके पहले आप पेज ले सकते हैं। इसी में नीचे आ जाए डुप्लीकेट पेज, अब डुप्लीकेट पेज यानी कि अगर आप कोई दो डिजाइन बनाते हो, कोई दो कुछ भी आपने बनना है, इसे अगर आप चाहते हैं यही पेज, यही जो डिजाइन है वो मैं नेक्स्ट पेज पे ले जाऊं, तो आप इसको डुप्लीकेट कर सकते हैं, और इसमें दो ऑप्शन देगा, जो आपका करंट पेज है, करंट वर्क एरिया है मतलब जो डॉक्यूमेंट्स हैं, आप इसके बाद में इसको अपने डुप्लीकेट करना चाहते हो या फिर उससे पहले, हम बाद में कर देते हैं। अच्छा, ये नीचे दो ऑप्शन हो रहे हैं, कॉपी लेयर ओनली, मतलब आपका सिर्फ पेज डुप्लीकेट होगा, इस पर जो वर्क है वो नहीं होगा, इस पर वर्क को भी डुप्लीकेट करना चाहते हैं जो काम आपने किया है, उसके लिए कॉपी लेयर्स एंड कंटेंट, जो आपके कंटेंट है, जो डिजाइन है, इस पर अगर आप क्लिक कर देते हैं तो ये साथ में देखिए पेज 2 फाइल 1 जो हमारा पेज 1 था, पेज 2 दोनों ही सेम है। आई होप आपको ये समझ आ गया हो। ठीक है, इसका एक और ऑप्शन ये भी है, अगर आप जैसे पेज 1 यहाँ पे क्रिएट करते हैं एंड अगर आप पेज 2 पे जाना चाहें तो पेज 2 पे, पेज 1 पे जाना चाहो तो पेज 1 पे,
इस पे कर देते हैं, जैसे मैंने तीन चार पेज बना दिए, ये वन बाई वन होगा, और अगर इस पे कर देंगे तो लास्ट वाले पेज पे ये दे जाएगा या सबसे फर्स्ट वाले पे। ठीक है, इसी के साथ में अगर आप एक ऑप्शन देखें, जैसा पेज का ऑप्शन यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी सेम ही है, ये आपके करंट पेज से पहले आपका जो है पेज पेज को मतलब न्यू पेज में आएगा, और ये वाला जो है इसके बाद में। चलिए मैं सबको डिलीट कर देता हूँ। इसी के आगे एक ऑप्शन है करंट पेज, इसका यूज क्या है, मान लीजिए आपने किसी पेज का साइज लिया 10x7, ठीक है, और अगर आप न्यू पेज लेते हैं तो सब साइज सेम कर देगा, सेम रहेगा। ये देखिए सारे पेज का ये साइज सेम रहेगा, बट और आप चाहते हो कि इस पेज का साइज मतलब जिस पेज पे मैं वर्क कर रहा हूँ उसका साइज चेंज आए पर बाकी का साइज सेम रहे, तो आप इस पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद अगर आप ये करंट पेज इसको अगर आप हटा दें पे क्लिक कर दें तो 8 तो देखिए इसकी जगह इस पे रहेगा, बाकी सबका साइज सेम रहेगा, इसी का सिर्फ पेज का साइज चेंज हुआ है, बाकी सबका सेम है। और आप चाहते हो इसको डिफरेंट डिफरेंट, अब इसका आप चाहते हो कि 7 हो जाए, इसका अलग है, इसका अलग है, इनका अलग है, सबका अलग अलग पेज का साइज रखने के लिए ये यूज किया जाता है। आप अलग अलग साइज के बैनर बना रहे हैं और आपको चाहते हो कि एक ही में फाइल में आपको अलग अलग साइज के बैनर मिल जाए तो ये बहुत काम आता है अलग। इसके आगे यूनिट, जैसा यूनिट आपको बताया था मैंने, इनके पॉइंट जो भी आप चाहते हो। अच्छा, ये सब जो ऑप्शन हैं ये आते हैं आपके टैक्स वगैरह में काम आएंगे, इनके हम बाद में देखते हैं। ठीक है गाइस, चलिए अब हम कुछ शेप बनाते हैं। मान लीजिए मैं एक स्क्वायर बना रहा हूँ, अब स्क्वायर तो फ्री हैंड है ये, तो स्क्वायर बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, और आप देखिए नॉर्मली ड्रैग करते हैं क्लिक करके माउस को तो ये नॉर्मली आपका फ्री हैंड वर्क करेगा, बट अगर आप इसी के साथ कंट्रोल दबा के फ्री ड्रैग करते हैं तो स्क्वायर में आपको ये बॉक्स बना के देगा। अगर आप कंट्रोल प्लस शिफ्ट को यूज करके फिर आप ट्रैक करें तो ये सेंटर से आपको जो है स्क्वायर बना के देगा, और अगर आप सिर्फ को सिर्फ शिफ्ट दबाएं तो आप सेम वही फ्री हैंड आपका जो है डिजाइन बनाओगे, मतलब बॉक्स बना सकते हैं बट सेंटर से। ओके, चलिए ये तो आपका फ्री हैंड, बट अगर आप चाहते हैं कि किसी एक पर्टिकुलर साइज का आप बॉक्स बने तो उसके लिए क्या करना है, ये आपने स्क्वायर लिए बॉक्स लिया हमने बनाया है, इसी के ऑप्शन आएगा देखिए विथ एंड हाइट का, इसकी अभी विथ जो है 2.6 है और हाइट 2.7 कह सकते हैं। अगर मैं इसकी जो है विथ 3 कर दूँ तो देखिए विथ इसकी बढ़ गई एंड हाइट इसकी मैं 5% तो हाइट इंक्रीज हो गई। डिफॉल्ट ये जो है इस पर लॉक लगा होता है, अब इस पर लॉक लगने से क्या होगा, अब जितना साइज इसका बढ़ाओगे उतना ही नीचे नीचे वाले साइज का भी बढ़ेगा, यानी कि जितना आप विथ बढ़ाओगे उतनी ही हाइट बढ़ेगी। विथ अगर मैं कर दूँ 8 तो ऑटोमेटिक इस पर कट करने की भी जरूरत नहीं है, हाइट ऑटोमेटिक सेम बढ़ जाएगी। तो इसे स्क्वायर बनाने के लिए मतलब सेम तो चारों अगर आप इसके एंगल सेम रखना चाहते हैं तो इसके लिए काम आ जाता है। इसके आगे एक रोटेशन का ऑप्शन दिखता है, इससे क्या होता है कि अगर आप सपोज यहाँ पे 40 कर दिया मैंने, देखिए ऑटोमेटिक ये रोटेट हो जाता है। इसका एक बेस्ट ऑप्शन ये है कि इसकी जगह आप अगर किसी भी अपने शेप से आप मतलब किसी भी बॉक्स पे शेप पे क्लिक कर दो तो ऑटोमेटिक इसके जो है एंगल्स के लिए पॉइंट्स जो है आ जाते हैं। ठीक है, आप चाहो तो आप इन्हें यहाँ से घुमा सकते हैं, ये इसका सेंटर पॉइंट, इसको अगर आप लाके कहीं भी रख देंगे तो ये सेंटर पॉइंट से घूमना शुरू होगा। तो देखिए
इसके आगे आप देखते हैं ये है क्लिप, यानी कि मिरर हॉरिजॉन्टली और मिरर वर्टिकली। अगर आप इस पे क्लिक कर देंगे तो ये आपके जो है डिजाइन को ऑब्जेक्ट को रिफ्लेक्ट कर देगा। मैं आपको दिखाता हूँ, सपोज मैंने एक कोई हम शेप ले लेते हैं, एक स्टार ले लिया मैंने, ठीक है। अब अगर मैं इसकी अब देखिए, अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ तो ये रिफ्लेक्ट हो जाता है, और इसी की जगह अगर मैं इसे क्लिक कर दूं तो ये वर्टिकली रिफ्लेक्ट होगा, मतलब ऊपर नीचे। अच्छा, ये जो है इसका स्ट्रोक है, यानी कि आउटलाइन के लिए। अब अगर ध्यान से देखें तो इसमें ब्लैक आउटलाइन शो हो रही है। अगर हम चाहते हैं इसकी आउटलाइन की जो थिकनेस है वो ज़्यादा बढ़ जाए तो आप इसे कोई सी भी जितनी चाहे इतनी बढ़ा सकते हैं। और अगर आपको कोई अपनी तरफ से कुछ लिखना बनाना चाहते हैं, जैसे कि मैं चाहता हूँ सपोज इसमें 12 है, फिर 13 या 14 नहीं है, और मैं चाहता हूँ 14 कर दूँ इसकी, ये 14, ठीक है। आउटलाइन का जो कलर है वो आप चेंज कर सकते हैं माउस का राइट क्लिक करके, एंड फिल कलर जो है वो लेफ्ट क्लिक करके आप चेंज कर सकते हो। अगर आपको कलर नहीं चाहिए तो ऊपर जो है एक एम्प्टी पैन लेयर सा दिखेगा, एम्प्टी बॉक्स दिखेगा, उससे आप राइट क्लिक करेंगे तो आउटलाइन डिलीट हो जाएगी आउटलाइन का, और अगर आप लेफ्ट क्लिक करेंगे तो कलर हट जाएगा। तो फिलहाल हम कलर लेते हैं, डिलीट कर देता हूँ, फिर से क्वेश्चन ले लूँ मैं। इसके आगे आएंगे तो ये तीन ऑप्शंस दिख रहे हैं, इनका यूज क्या है। देखिए, इसके नीचे एक ऑप्शन आता है, टूल के नीचे शेप टूल, इसकी शॉर्ट की F10 है। इसमें क्या है कि अगर आप शेप माउस को कॉर्नर से ड्रैग करते हुए लाओगे, शेप टूल ले लेते हैं और ड्रैग करते हुए प्लस पेंशन दिखेगा, ड्रैग करते हुए लाओगे तो कर्व सा बन जाएगा, इसके जो कॉर्नर है कर्वली बन जाएंगे, देखिए चारों कॉर्नर। इसी तरह अगर आप इस पर क्लिक कर दोगे तो जो कर्व है ये अंदर की तरफ से बनना शुरू होगा, देखिए। और अगर इस पर हम क्लिक कर देते हैं तो ये जो एक सेपरेट सा हमें बिल्कुल स्ट्रेट लाइन का जो है कॉर्नर देगा। अगर आप चाहते हैं किसी एक को हो, सिर्फ एक ही एरिया का जो है सिलेक्शन, मतलब कर वो, तो इसको क्या करेंगे आप कंट्रोल दबाएंगे, उसके बाद अगर ड्रैग करते हैं तो ये एक एरिया को सिलेक्ट करेगा, ठीक है। ये अंडो रिट्रीव करना चाहते हो कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका जो है शेप का ऊपर की प्रॉपर्टीज का जो है क्लास आज खत्म हो गई आपकी। चल नेक्स्ट क्लास में हम सीखेंगे कि शेप्स कैसे बनाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट जो है टाइप के शेप डिजाइन कैसे बनाए जाए। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि आप एक भी वीडियो मिस ना कर सकें।